एमएस धोनी दुनिया के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स में से एक हैं। सभी क्रिकेट फैंस उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं, सेलेब्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी हैं फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान आए सिंगर ने कुछ ऐसा किया कि सभी फैंस का दिल जीत लिया। कल के मैच में भले ही धोनी की सीएसके हार गई, लेकिन ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि आज के समय में क्रिकेट की दुनिया में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। उनके फैंस चारों ओर हैं और उनमें से एक अरिजीत सिंह ने अपने जेस्टर से सभी का दिल भी जीत लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अरिजीत ने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अपने हिट गानों से फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया भी हिट गानों पर परफॉर्म करती नजर आई। लेकिन ये इस ओपनिंग सेरेमनी की हाईलाइट नहीं था। असली हाईलाइट था जब परफॉर्मेंस के बाद दोनों टीमों के कैप्टन को स्टेज पर बुलाया गया। पहले चेन्नई के कप्तान धोनी स्टेज पर पहुंचे। जैसे ही वे अरिजीत के पास पहुंचे, वे अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाए और धोनी के पैर छू लिए। धोनी ने तुरंत अरिजीत को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। धोनी के प्रति अरिजीत सिंह का ये प्यार देखकर फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर ये फोटो खूब वायरल भी हो रही है, जहां फैंस कुछ इस तरह अरिजीत की तारीफ करते दिखे। कुछ ने कहा कि एक लेजेंड ही दूसरे लेजेंड को कैसे रिस्पेक्ट करना है यह जानता है। वहीं कुछ ने कहा कि इंटरनेट पर फिलहाल बेस्ट पिक्चर है। साथ ही आपको बता दें कि रश्मिका और तमन्ना भी धोनी के बहुत बड़ी फैन हैं और ओपनिंग सेरेमनी से पहले दोनों ने इंडिया के इस पूर्व कप्तान से मिलने की इच्छा भी जताई। मैच की अगर बात करें तो चेन्नई की टीम के लिए ये मैच कुछ खास साबित नहीं हुआ। बैटिंग में भी ऋतुराज के बल्ले से ही सबसे ज्यादा रन निकले, बाकी बैटर्स कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि आखिरी ओवर में मैदान पर आए एमएसडी ने अपने उसी अंदाज को कायम रखा और एक छक्के और चौके से पूरे स्टेडियम में हल्ला मचवा दिया। हालांकि बोलिंग में टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 178 का टारगेट चेस कर रही गुजरात टाइटंस को जीत हासिल हुई। सीएसके का अगला मुकाबला अब लखनऊ की टीम के साथ चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम में है, जहां रिजल्ट ज्यादातर सीएसके के फेवर में ही आता है। उम्मीद है कि अगले मैच में सीएसके बाउंस बैक करते हुए नजर आएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए क्रिकेट डायरेक्टर।